कितना गिर चुका है इंसान, केरल में इंसानियत की सभी हदें पार। गर्भवती हथिनी को खिलाया विस्फोटक से भरा अनानास। पेट में पल रहे गर्भ को भी उतारा मौत के घाट। तस्वीरों को देखकर रो पड़ेगी आपकी आत्मा, कांप उठेगी आपकी रूह। जी हाँ, तस्वीर ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं, मंजर ऐसा कि कलेजा फट जाए। दिल दहला देने वाली ये घटना है केरल के मल्लपुरम की, जहाँ एक गर्भवती हथिनी भूख प्यास से व्याकुल भोजन की तलाश में जंगल से होते हुए गांव पहुंच गई, इस उम्मीद के साथ कि इंसान की बस्ती में उसे खाना मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इंसानी बस्ती में उसकी मौत की तामीर लिखने वाले कुछ जल्लाद भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस हथिनी के साथ जो कुछ भी किया वो कोई इंसान अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, वो भी उस गर्भवती हथिनी के साथ जो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषक तत्व पहुंचाने के लिए इंसानों की बस्ती में पहुंची थी। समाज कंटकों ने इस हथिनी को भोजन के बदले अनानास फल में पटाखे भरकर खिला दिए, जिससे गर्भवती हथिनी का मुंह पटाखे से झुलस गया, जिसके बाद भी हथिनी ने अपना आपा नहीं खोया, न ही किसी मकान को, न ही किसी पेड़ को और न ही किसी इंसान को उसने नुकसान पहुंचाया, बल्कि पानी की तलाश में दर दर भटकती हुई वो एक नदी में उतर गई, जहां राहत पाने के लिए वो 3 दिनों तक पानी में ही खड़ी रही। उसे सुकून तो मिला लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बच पाई, उसे इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था कि पानी में खड़े रहते हुए उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने भारी जद्दोजहद कर किसी तरह मृत इस हथिनी को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इट इज एन एक्सट्रीमली वायलेंट area and the government of Kerala has taken no action at all in Mallappuram. It seems that they are scared of them. Now, the government of Kerala, whether it's the Forest Secretary Asha Thomas or it is the Chief Wildlife Warden, who's a completely useless man called Surendran, or it is any of the, or it's this minister called Raju who does nothing, they do nothing. जब किसी इंसान को इस तरह से मारा जाता है तो उसके लिए आवाजें उठने लगती हैं, लेकिन इस बेजुबान के लिए ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा। केरल में इस गर्भवती हथिनी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हथिनी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हाथी की मौत के मामले में केंद्र सरकार बेहद गंभीर है, हम सही तरीके से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाथियों को पटाखा खिलाना और मारना भारतीय संस्कृति नहीं। किलिंग ऑफ एन एलिफेंट इन केरला इज शॉकिंग। इफ समबडी गिव्स फायर क्रैकर्स इन पाइनएप्पल एंड दे गेट बर्स्ट इन द माउथ, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Therefore we have taken this killing in Kerala very seriously
for solving the animal human conflict situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. वैसे कल को आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, उन्हें सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत भी इकट्ठा कर लिए जाएंगे, लेकिन एक गर्भवती हथनी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद मानवता पर जो दाग लगा है, क्या उसे कोई धो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़।